नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हंटर पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस 10,000 साल पुरानी गुफा के बारे में, जो श्रीराम और रावण से जुड़ी कई सच्चाइयों को बयां करती है। नवरात्र खत्म होने के बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही कुछ जानकारी साझा करने वाले हैं। अपनी वीडियो में रावण के शव के बारे में बताने वाले हैं कि रावण के वध के पश्चात रावण के शव का क्या हुआ। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज भी 10,000 साल बाद रावण के शव को एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहना। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में रावण का शव सुरक्षित रूप से रखा गया है। यह गुफा श्रीलंका के रंगला में घने जंगलों में स्थित है। आप सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस गुफा की ऊंचाई 8,000 फुट है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। दोस्तों, इस पर एक खास किस्म का लेप भी लगाया गया है, जिससे ये कई हजार साल बाद भी वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक यह कहा जाता है कि रावण के शव को 18 फीट लंबे 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है, और इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना रखा गया है, जिसकी रखवाली आज भी एक भयंकर नाग करता है। दोस्तों, रावण के शव के बारे में इतना सब जानने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर रावण का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, मैं आप सभी को इस बारे में बता दूं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर से जिंदा हो जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो नागकुल के लोगों ने रावण के शरीर को मम्मी बना दिया, जिससे रावण का शव सालों तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, आपको इस रिसर्च के बारे में क्या लगता है? इस रिसर्च में कितने % सच्चाई है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।